Yes, good morning students, all of you. Today we will discuss about the rational number chapter first. Exercise 1.2, question number first. Represent the number 7 upon 4 on number line. यानी कि आपको यहाँ पे 7 upon 4 को represent करना है कहाँ पे number line पे. Okay? तो number line के बारे में आपको पता है सबसे पहले तो number line क्या होती है? इस टाइप से आप ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ पे बीच में आप जीरो पुट करते हैं. यहाँ पे माइनस वन होता है, माइनस टू होता है और इधर जीरो के राइट में वन टू ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. यानी कि जीरो के इधर वाले नंबर ये होंगे नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स और इधर होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स. अब जो नंबर बोला है उसके अगर राइट में लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट में क्या होगा, स्मॉलर नंबर होंगे उस नंबर से और जैसे माइनस वन से ग्रेटर नंबर है वो इस तरफ होंगे. ओके, तो ये अब 7/4 है, इसको हम चेक करेंगे किन दो होल नंबर के बीच में लाई कर रहा है. क्या चेक करना है, 7/4 किन दो होल नंबर के बीच में लाई कर रहा है. तो इसका क्या प्रोसेस है, 4 का डिवाइड कर देते हैं 7 में. तो 7 में डिवाइड करेंगे 4 का. ओके, तो 4 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम हुआ, 1 टाइम हो रहा है, 4 जा और 4 1 जा यानी कि 1 टाइम आया यहां पे और इसमें 7 में से 4 माइनस होगा तो यहां का जाएगा बच जाएगा 3, रिमाइंडर 3 बचा. अब आगे पॉइंट में चेक कर लेते हैं कि कितना आता है डेसिमल में, क्या आता है आंसर. तो यहां पे 4 में 3 का डिवाइड होगा, 3 में होगा नहीं डिवाइड, तो यहां पे 0 ले लेते हैं. यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. अब 4 में 4 का डिवाइड 30 में करेंगे तो 28 यानी कि 7/4 जा 28 होगा. तो ये आ रहा है 1.7 यानी कि ये आ गया 1.7. इट मींस ये जो 1.7 है ये 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन पे लाई करेगा. 1.7 का लाई करेगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन ले रहे हैं जहाँ पे लेफ्ट में 0 रखते हैं फिर 1 और फिर 2 और इसके दो डिजिट के बीच में हमें इक्वल कितने पार्ट बनाने हैं, जितना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बने. डिनोमिनेटर 4 है तो 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट बना रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट. यानी कि जितने पार्ट बनाने हैं उससे 1 लेस ये लाइन काम में लेंगे यानी कि 3 ये लाइंस काम में आएंगी. इसी टाइप से 1 और 2 के बीच में भी 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, तो ये इक्वल 4 पार्ट बन गए. ओके, इसके बाद में यहां पे नंबरिंग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये राइट डाउन कर देंगे. अब ये लिखने के बाद में यहां पे डिवाइड में कितना है वो इन नंबर्स के सब में डिवाइड करना है. यानी कि 0 अपॉन 4 होगा, यहां पे डिवाइड में 4, यहां पे डिवाइड में 4, यहां पे डिवाइड में 4, सब में डिवाइड में 4 आ जाएगा. ओके, अब नंबर लाइन पे आपको चेक करना है कि 7/4 कहां पे आ रहा है, तो 7/4 कहां पे आ रहा है, ये रहा. यहां पे सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस टाइप से ये एरो बना देंगे. तो इस टाइप से ये 7/4 है वो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा इसको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या गिवन है, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन. यानी कि इन तीनों नंबर रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो तीनों नंबर आप एक साथ कब एक ही लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, जब डिनोमिनेटर तीनों का क्या होगा सेम. यहाँ पे तीनों में क्या आ रहा है, 11/11 आ रहा है. तो यहाँ पे तीन अलग अलग लाइन नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये नंबर है किन दो डिजिट के बीच में लाई करेंगे. तो अब सिंपल सा लॉजिक ये ध्यान रखना है, यहाँ डिवाइड में क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर क्या स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तीनों में यही कंडीशन है. तो यहाँ पे ये जब भी ऐसी कंडीशन होगी हम
प्रोसेस रहेगा, इसको डेसिमल में हम चेंज करेंगे पहले और चेक करेंगे तीन दो डिजिट के बीच में आएगा। यहाँ पे एक नंबर को चेक कर लेते हैं, आपको टू में डिवाइड करना, माइनस साइन को एक बार हटा देते हैं, माइनस को एक बार साइन में हटा दिया तो टू में डिवाइड करना है किसका, इलेवन का। तो इलेवन इसमें डिवाइड होगा नहीं, तो आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, यहाँ जीरो पुट करने का मतलब जीरो पॉइंट लग गया है। अब इलेवन का डिवाइड ट्वेंटी में वन जा होगा, इलेवन वन जा इलेवन, यहाँ वन आ गया और ये नाइन बच जाएगा। यानी कि ये जो है इसका क्या आ गया है, ये अगर सॉल्व करते हैं तो जीरो पॉइंट वन, इट मीन्स, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज पुट कर देंगे। क्लियर? अब ये 0.1 यानी कि 1 से 0 से क्या आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि 0 से 0 और -1 के बीच में ये नंबर लाई करेगा, -0.1 कहां लाई करेगा, 0 और -1 के बीच में। इसी टाइप से ये भी 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, ये वाला नंबर भी 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, ये करेगा लाई 0 एंड -1 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक को जीरो लेंगे और जीरो से स्मॉलर है माइनस वन, स्मॉलर होने की वजह से माइनस वन को यहाँ पे पुट करेंगे। अब जीरो और वन माइनस वन के बीच में हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इन दोनों डिजिट के बीच में नंबर लाइन को, तो ये डिवाइड में डिनोमिनेटर कितना, इलेवन है, यहाँ पर भी इलेवन है, सब में इलेवन आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि इसके इक्वल इलेवन पार्ट बनाएंगे। और इक्वल इलेवन पार्ट बनाने के लिए ये टेन लाइन्स यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, 10 लाइंस होंगी तो इसके इक्वल नंबर लाइन के इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 0 यहां पुट कर देंगे, फिर 0 के बाद -1 आएगा या -2 या -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और यहाँ आ जाएगा -11। अब ये आ गया, इसके बाद में डिवाइड में कितना है यहाँ पे, 11 है सर पे, तो यहाँ पे भी डिवाइड में माइनस, डिवाइड में 11, डिवाइड बाय 11, सबके डिवाइड में 11 आ जाएगा। ओके, तो 0 अपॉन 11 वर्क तो 0 होगा या -11 अपॉन 11 माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें इस नंबर लाइन पे क्या क्या चेक करना है, एक तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है -2 अपॉन 11 को, तो चेक करो -2 अपॉन 11 इस नंबर लाइन पे कहां पे है, तो ये रहा -2 अपॉन 11, तो आप यहां पे ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे और एरो कर देंगे, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होना बोलेंगे इसको, 5 अपॉन 11 माइनस का, ये रहा माइनस का 5 अपॉन 11, फिर -9 अपॉन 11, ये माइनस का 9 अपॉन 11, यहाँ पे सर्कल करो और सर्कल करके ये एरो बनाओ, ये तीनों नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। यहाँ पे आपको राइट डाउन करने 5 रेशनल नंबर जो 2 से क्या हो, स्मॉलर हो, वो रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। एक बार सबसे पहले मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एक नंबर लाइन बना रहा हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये नंबर लाइन बन गई, यहाँ पे बीच में एक्सिट लिखेगा 0 और 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं 1 2 3 4 5, ओके, और इसके आगे वाले भी नंबर इंक्लूड होंगे, और इधर इंटीजर्स क्या आते हैं 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, यानी -2 -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये आ रहे हैं, और इधर और भी नंबर इंटीजर्स हम पुट कर सकते हैं, 6 है, 7 है, 8 है, जस्ट सो है, ओके। तो ये इंटीजर्स है, इंटीजर नंबर इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ये रेशनल भी है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर का हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, कोई भी नंबर से हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है तो उस नंबर के, जैसे 1 से ग्रेटर फाइंड करना है तो 1 से ग्रेटर का मतलब है 1 से राइट में, राइट में कौन कौन से नंबर आ रहा है, 1 से ग्रेटर कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा।
2, तो 2 को छोड़ दो, 2 के छोड़, 2 के अलावा जो नंबर्स आ रहे हैं, 2 के अलावा जो भी लेफ्ट वाले नंबर है, ये सारे के सारे नंबर इधर लेफ्ट वाले क्या होंगे, 2 से स्मॉलर होंगे, ग्रेटर 2 से ग्रेटर चेक करना है तो ग्रेटर इस तरफ होंगे राइट में, 2 से जो भी आगे ग्रेटर नंबर आ रहे हैं राइट में वो ग्रेटर होंगे, और 2 से जो लेफ्ट में आ रहे हैं वो स्मॉलर होंगे। तो ये ग्रेटर और स्मॉलर का ये प्रोसेस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये 5 नंबर, तो हम बोलेंगे 2 से स्मॉलर, ये स्मॉलर नंबर होंगे इधर, और इधर होंगे ग्रेटर नंबर। ओके, दिस इज ग्रेटर एंड स्मॉलर। तो अब फाइंड करने के 5 रेशनल नंबर बताने हैं। अब चलो बताओ 5 रेशनल नंबर कौन से हैं जो 2 से स्मॉलर है। तो 2 से स्मॉलर 1 0 -1 -2 -3 एंड -4। तो हम बोलेंगे सो 1 0 -1 -2 एंड -3 आर 5 रेशनल नंबर्स, आर 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। दिस इज योर आंसर। स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। Find 10 rational numbers between -2 upon 5, 1 upon 2। यानी कि इन दो rational numbers के बीच में आपको 10 rational numbers find करने हैं। कोई भी दो rational numbers के बीच में infinite rational numbers हो सकते हैं, ठीक है? दो rational numbers के बीच में between there are infinite रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो हमें ये चेक करना और फाइंड कितना करना है, यहाँ पे 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, और किन दोनों नंबर के बीच में फाइंड करना है, इनके बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस ये रहेगा अपना, जब भी इनका ये फाइंड करना है 10 रेशनल और इन दोनों के बीच के नंबर फाइंड करने हैं, बिटवीन फाइंड करने हैं, उस कंडीशन में डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसको हम इक्वल बनाएंगे, यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आता है वो चेक करेंगे। तो एलसीएम किन का लेना है, 2 और 5 का। तो 2 एंड 5 का लेंगे हम एलसीएम। सबसे पहले 2 का डिवाइड 1 से और 5 एज इट इज, फिर 5 का डिवाइड 1 से और 5 का डिवाइड 5 में 1 से, यानी कि इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, 2 एंड 5 इज इक्वल क्या, 2 इंटू 5 यानी कि 10 आ गया। यानी कि एक नंबर तो है ये -2/5 और अदर नंबर है ये 1/2। इनको क्या करना है डिवाइड में, इसको भी 10 बनाएंगे 5 को और 2 को भी 10 बनाएंगे। तो ये 2 5 और 10 कैसे बनेगा, तो डिवाइड में यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 5 2 सर 10 बन जाएगा, और ऊपर से न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई करना है। जितना डिवाइड में 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का कर रहे हैं, उतना ही ऊपर सेम नंबर से होगा, सेम डिजिट से होगा। अब ये 10 कैसे बनेगा 2, ये वाला 2 10 कैसे बनेगा, तो ये 10 बनेगा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर भी इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ये 5 से, तो 2 5 का 10 बन जाएगा। अब ये बन गया आपके पास 2 2 का 4 डिवाइड 10, 5 2 का 10 और माइनस साइन में एज इट इज आ गया। यहाँ पे भी ये सिंपलीफाई करते हैं तो 1 5 1 का 5 और 5 2 का 10। तो इनके बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करें जब डिवाइड में ये सेम होगा, या डिवाइड में सेम है तो ऊपर वाले नंबर के बीच में काउंट करते हैं, तो 5 और -4 के बीच में ये नंबर लाइन पे पुट करके देख लेते हैं ऊपर,
तो ये नंबर लाइन प्लॉट होगी। यहाँ पे करना क्या है हमें, 5/10 और 4/, इसके बीच में नंबर्स चेक करने हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -4 और 5 के बीच में, इनको छोड़ के नंबर कौन से आएंगे, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4 ये नंबर्स आएंगे। तो इनको हटा दो, कितने नंबर हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ही नंबर हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर तो 10 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी 30 बन जाए डिवाइड में, 3 का मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पे भी डिवाइड में 3 का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, ताकि उससे जो ये 10 नंबर नहीं आ रहे वो 10 रेशनल नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 3 का डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड, और यहाँ पे भी 3 का डिवाइड और 3 का मल्टीप्लाई। जब भी आप सेम नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। तो वापस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वापस ये जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है वो आ जाएंगे। तो यहाँ से बन गया 4 3 12 / 30 और माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ से बना 15/30। अब आपको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं -12/30 and 15/30 के बीच में, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। -12/30 माइनस का डिजिट यहाँ पे रख रहा हूँ सबसे इधर, तो -12/30 और इधर में सबसे इधर आ जाएगा 15/30। अब इन दोनों नंबर्स के बिटवीन कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे, यानी कि इससे स्मॉलर और इससे भी स्मॉलर, तो इनको इनको छोड़ दीजिए, ये दो नंबर है इनको इंक्लूड नहीं करना है। इनके बीच में आने वाले नंबर कौन कौन से होंगे रेशनल नंबर, अब 15/30 है, इससे जस्ट लेफ्ट में कौन सा आएगा, 14/30 आएगा, फिर 30/30 आएगा, 12/30, 11/30 और इसके जस्ट राइट में बात करें इससे स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, तो इससे स्मॉलर हो जाएगा -11/30, -10/30, -9/30। तो -12/30 से राइट वाले और -14/30 से लेफ्ट वाले जितने भी नंबर है, जितने भी ये नंबर है, ये सारे के सारे इन दोनों रेशनल नंबर के बिटवीन लाइन होंगे। तो कोई भी आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो, तो यू कैन राइट हियर, सो -11/30, कोई भी आप 10 रेशनल नंबर्स यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो, -11/30, -10/30, -9/30, -8/30, -7/30 है यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, -6/30। अब कुछ पॉजिटिव डिजिट्स ले लेते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लेते हैं, 14/30 लिख सकते हैं, और 13 ये भी हो सकता है, 12/30 हो सकता है, 12/30 हो जाएगा, एंड ये 9 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 हो गए, और लास्ट एक और लिख देते हैं, लास्ट हो जाएगा 11/30 आर 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, क्या किसके बीच में फाइंड करने थे हमें नंबर, -2/5 और 1/2 -2/5 and 1/2
अगर आपको यहाँ पे फाइव डेसिमल नंबर फाइंड करने का बोलता तो यहाँ पे थ्री की वो आप और एक्स्ट्रा ये थ्री का मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, और फाइव बोला तो कोई भी फाइव इनके बीच में आने वाले फाइव डेसिमल नंबर ऐसे ले सकते हैं। ये दो बार, पहली बार तो यहाँ पे एलसीएम वाला डिजिट बनाने के लिए कर रहे हैं, ये सेकेंड टाइम आप मल्टीप्लाई सेम नंबर की कब रिक्वायर्ड होगी, जब इन दो नंबर से जो ये आंसर बन रहा है उनके बीच में जितने फाइंड करने उतने नंबर लाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम ये एक्स्ट्रा नंबर से कर देंगे। अगर यहाँ पे 10 की जगह 5 होता तो यहाँ से डायरेक्टली ये जरूरत ही नहीं पड़ती इसके करने।